आज हम लोग कक्षा 10 में रसायन विज्ञान में लेक्चर नंबर 2 किसी रासायनिक प्रतिक्रिया को संतुलित कैसे करेंगे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग कुछ अध्ययन करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है, हम देखेंगे कि यह हाइड्रोजन का एक परमाणु है जबकि इसमें हाइड्रोजन का एक अणु है, और यहाँ देखेंगे तो हाइड्रोजन का दो परमाणु है और एक और होता है हाइड्रोजन पे धनायन है यानी यह आयन है। किसी भी सूत्र में जैसे मान लीजिए H2O लिखा है, समीकरण को संतुलित करेंगे तो कभी भी मान लीजिए ऑक्सीजन को संतुलित करना होगा तो जो भी अंक लगाएंगे हम उसको अणु के रूप में नहीं लिखेंगे, जैसे O2 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, जो भी लगाएंगे उसको हम मोल के रूप में अणु के रूप में आगे लगाएंगे। इसको ध्यान रखेंगे, अणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है, परमाणु मिलकर के अणु का निर्माण होता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया को कैसे संतुलित करेंगे इस पे देखेंगे। हमारे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को HCl के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है जिसका सूत्र होता है MgCl2 और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। बात करते हैं मैग्नीशियम और HCl जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, उत्पाद में मैग्नीशियम क्लोराइड मिला है MgCl2 और हाइड्रोजन गैस निकला है। किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में सबसे पहले देखते हैं अभिकारक और उत्पादक बताया जा चुका है, एरो के पहले लिखा हुआ अभिकारक कहलाता है, एरो के बाद आया हुआ है दाहिने तरफ हमेशा उत्पाद आता है। किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे तो सबको एक एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, अभिकारक हो या उत्पाद हो बंद कर देंगे। बंद करने के बाद से हम देखते हैं किस यौगिक में कितने परमाणु हैं। हम देखते हैं मैग्नीशियम में एक परमाणु है, हमने एक लिख दिया, HCl में H के एक परमाणु, Cl के एक परमाणु है यानी एक दो परमाणु हो गए। मैग्नीशियम क्लोराइड में देखेंगे मैग्नीशियम का एक परमाणु है और क्लोरीन का दो परमाणु है यानी 3 परमाणु हो गए, जबकि देखते हैं हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 परमाणु है। लिखने के बाद फिर देखेंगे किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु है, तो देखते हैं एक परमाणु, दो परमाणु, 3 परमाणु, फिर 2 परमाणु, यानी उत्पाद में हमारा 3 परमाणु है। अब देखेंगे 3 परमाणु में यानी मैग्नीशियम क्लोराइड में सबसे अधिक किस एटम का परमाणु अधिक है, तो मैग्नीशियम का एक परमाणु है, क्लोरीन का 2 परमाणु, यानी क्लोरीन की संख्या यहाँ पर अधिक है तो क्लोरीन को सबसे पहले संतुलित करेंगे। यहाँ पे 2 परमाणु है क्लोरीन का, अभिकारक में देखेंगे तो केवल एक परमाणु है यानी एक उधर अधिक है तो इधर हम 2 लगा देंगे। अब देखते हैं तो क्लोरीन का भी 2 परमाणु हो गया, क्लोरीन का 2 परमाणु हो गया, मैग्नीशियम का एक परमाणु है, मैग्नीशियम का एक परमाणु हो गया, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हो गया, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हो गया। अतः इस तरह से यह रासायनिक प्रतिक्रिया संतुलित हो गई। आगे हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास सोडियम है, सोडियम O2 के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है Na2O। फिर आप देखेंगे दोनों को बंद कर देंगे, सभी को चाहे अभिकारक को चाहे उत्पाद हो सबको एक एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद देखेंगे सोडियम का एक परमाणु है, ऑक्सीजन का यहाँ 2 परमाणु है, दूसरे में देखेंगे सोडियम के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु, टोटल यहाँ पे 3 परमाणु है यानी इसमें परमाणु की संख्या अधिक है। फिर बात करते हैं किस एटम में, किस यौगिक में किस एटम की संख्या सबसे अधिक है, तो सोडियम के 2 परमाणु है तो हम इसके आगे 2 लगाएंगे। अब देखेंगे आगे यहाँ पर, अब यहाँ सोडियम के 2 परमाणु है, सोडियम के 2 परमाणु हो गए, ऑक्सीजन के यहाँ 2 परमाणु होने चाहिए, ऑक्सीजन के यहाँ पर 1 परमाणु है तो हम इसके आगे 2 लगाएंगे। फिर देखते हैं अब यहाँ पे सोडियम की संख्या 4 हो गई तो इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे, यानी अगला जो समीकरण मिलेगा हो जाएगा 2 × 4 यानी 4Na+O2 = 2Na2O, ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। फिर आगे एक और उदाहरण लेकर समझाते हैं हम आपको, आगे देखते हैं यही चीज।
हमारे पास फिर वही जो स्पीकर समझाए थे, यज्ञ था, O2 था, रिएक्शन कराया, रिएक्शन कराने के बाद बनाया H2O, इसको बॉक्स में बंद किए थे, बॉक्स में बंद कर देंगे। बॉक्स में बंद करने के बाद देखते हैं इसमें तीन परमाणु है, दो परमाणु है, एक परमाणु है। सबसे अधिक परमाणु इसमें है, सोडियम के दो परमाणु है, हमने यहाँ पर दो लगाया। अब देखते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन के एक परमाणु है, तो हमने एक बटे दो से भाग कर दिया, ये हमारे हो गए समद्विबीज समीकरण है। अब देखते हैं यह एक समद्विबीज समीकरण है, लेकिन उसके बाद भी यह फ्रैक्शन के रूप में आता है, भिन्न के रूप में आ जाता है। तो इस दो का गुणा सभी पक्षों में गुणा कर देंगे, तो दो का इसमें गुणा करेंगे तो दो दूना चार हो जाएगा, चार यानी आ जाएगा। एक बटे दो में हम दो का गुणा करेंगे तो कैंसिल होकर के O2 आ जाएगा। इस दो का गुणा यहाँ पे गुणा करेंगे तो टू यानी टू हो जाएगा। इस तरह से भी किसी रासायनिक क्रिया को संतुलित कर देंगे। आगे बात करते हैं एक और समीकरण द्वारा संतुलित करके आपको बताते हैं। हम यहाँ पर मैग्नीशियम लिए, मैग्नीशियम को O2 के साथ क्रिया कराते हैं, बनाता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखते हैं अभिकारक को बॉक्स में बंद कर देते हैं, उत्पाद को भी बॉक्स में बंद कर देते हैं। देखते हैं किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु है, तो देखते हैं मैग्नीशियम के एक परमाणु है, ऑक्सीजन के दो परमाणु है, उत्पाद में देखते हैं तो दो परमाणु है। अब बात करते हैं किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु है, तो हम देखेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन के बहु परमाणु है, यानी दो परमाणु एक ही जैसे है, तो यहाँ दो परमाणु है, उत्पाद में आगे हम दो लगा देंगे। अब हमारा ऑक्सीजन बराबर हो गया। फिर देखते हैं मैग्नीशियम यहाँ दो परमाणु है, जबकि हमारे पास यहाँ एक परमाणु है, तो इसके बाहर भी हम दो लगा देंगे। इस तरह से देखते हैं मैग्नीशियम के दो परमाणु, ऑक्सीजन के दो परमाणु, अब बन गया 2MgO। अगला जो संतुलित समीकरण होगा हम इसको लिख देंगे 2Mg प्लस O2 गिव दैट 2MgO। याद रखिए किसी भी यौगिक को जब संतुलित करेंगे तो हम उसको जैसे मान लीजिए Mg या सो पूरा इसको संतुलित करेंगे, तो जो भी अंक लिखेंगे उसको बीच में न लिख करके उसके आगे मोल के रूप में लिखा जाता है, इसको खास ध्यान रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, शेष हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।